नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। उन्मुक्त चंद भारतीय क्रिकेट का एक चमकता सितारा बने। उन्होंने देश को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो वैसा कुछ हासिल नहीं कर सके जिसकी उनसे उम्मीदें थीं। आज की इस पेशकश में हम जानेंगे कि आखिर उन्मुक्त चंद का करियर क्यों खत्म हो गया। हम आगे बढ़ें, उससे पहले आप आज तक एआई को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेटिंग टैलेंट्स तीन तरह के होते हैं, जनरेशन में एक बार मिलने वाला टैलेंट, एक्साइटिंग टैलेंट और ग्रिटी टैलेंट। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रिकी पोंटिंग जैसे खिलाड़ी जनरेशन टैलेंट हैं। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी एक्साइटिंग टैलेंट हैं। पुजारा, द्रविड़, चंद्रपॉल और कैलिस जैसी प्रतिभाएं ग्रिटी टैलेंट हैं। एक बात जो इन सभी नामों को एक करती है वो ये कि इन्हें बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिला। इन सभी के शुरुआती करियर में इन्हें लेकर जो भरोसा जताया गया था उसे इन्होंने वक्त के साथ साबित किया। हालांकि ऐसे कई टैलेंट हैं जिन्हें देखकर शुरुआत में ढेरों उम्मीदें जताई गई, लेकिन वे खुद को साबित करते इसके पहले ही ये टैलेंट खत्म हो गए। भारतीय क्रिकेट में उन्मुक्त चंद एक ऐसा ही नाम है। उन्मुक्त की कहानी जानने के लिए हमें साल 2012 में लौटना होगा। इस साल उन्मुक्त की ही कप्तानी में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। उन्होंने फाइनल में शानदार 111 रन बनाए थे। इस पारी और उनकी कप्तानी की वजह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी थी। उन्मुक्त इस जीत के बाद जब भारत वापस लौटे तो मीडिया के लिए अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट बन गए थे। उन्हें एक बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने एड ऑफर किया। विज्ञापन में उन्मुक्त को कोल्ड ड्रिंक के घूंट के लिए सीनियर टीम के ड्रेसिंग रूम की ओर देखते हुए दिखाया गया। इस एड में धोनी कहते हैं, ओए अंडर 19, यहां से ड्रिंक लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस पर चंद पूछते हैं कि उन्हें इंतजार क्यों करना है और अभी क्यों नहीं। विज्ञापन में धोनी, रैना और कोहली भी थे। एक बात जो उन्मुक्त के खिलाफ गई वो थी हर स्तर पर विराट के साथ हो रही तुलना, और तुलना की एक खास वजह भी थी। विराट और उन्मुक्त दोनों ने 17 साल की उम्र में घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था। दोनों ने देश को अंडर 19 विश्व कप में जीत दिलाई थी। एक बल्लेबाज के रूप में उन्मुक्त और विराट दोनों निडर और आक्रामक थे। विराट ने जहां इन तारीफों को खुद पर हावी नहीं होने दिया, वहीं उन्मुक्त इन तारीफों को सही से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ऐसा कहा जाता है कि असली शिक्षा तब शुरू होती है जब आप ग्रेजुएट होकर कॉलेज से बाहर आते हैं। कई क्रिकेटरों के लिए अंडर 19 क्रिकेट कॉलेज और क्रिकेटिंग एजुकेशन का फाइनल डेस्टिनेशन है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए बुलावे का हर खिलाड़ी को इंतजार रहता है, लेकिन उन्मुक्त के लिए ये मौका कभी आया ही नहीं। भारत को एक स्थिर सलामी बल्लेबाज की तलाश रही, लेकिन उन्मुक्त कभी इस मौके का फायदा नहीं ले सके। अगर कोई ट्रिविया हो कि किस बल्लेबाज ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत शून्य के साथ की और किस बल्लेबाज का आईपीएल करियर शून्य से ही खत्म हो गया, तो इसका जवाब उन्मुक्त चंद होंगे। दिल्ली के लिए 18 साल की उम्र में आईपीएल के डेब्यू मैच में उन्मुक्त को लसित मलिंगा ने दूसरी गेंद पर शून्य पर आउट कर दिया। उस दिन दिल्ली 95 रन पर ऑल आउट हो गई थी। आईपीएल में उनका आखिरी मैच साल 2016 में मुंबई इंडियंस के लिए था। चंद ने पंजाब के खिलाफ 4 गेंदों पर 0 रन बनाए। 5 वर्षों में चंद ने आईपीएल में सिर्फ 21 गेम खेलकर 100 की स्ट्राइक रेट के साथ 300 रन बनाए। उनके करियर का हाई पॉइंट तब आया जब उन्होंने आईपीएल 2015 में आरसीबी के खिलाफ 58 रन बनाए और उस साल मुंबई इंडियंस की दूसरी खिताबी जीत का हिस्सा बने। अफसोस की बात है कि उनका आईपीएल करियर 23 साल की उम्र में खत्म हो गया और तब से उन्हें कभी कोई खरीदार नहीं मिला। आईपीएल के एक किस्से का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। कहा जाता है कि ब्रेटली की एक गेंद ने उन्मुक्त का करियर बिगाड़ दिया था। आईपीएल 2013 की पहली गेंद उन्मुक्त चंद ने खेली थी। ये गेंद ब्रेटली की थी और वो इस गेंद पर बोल्ड हो गए थे। उस गेंद को उन्मुक्त का करियर खत्म कर देने वाली गेंद कहा जाता है। 2013 में उन्मुक्त दिल्ली डेयर डेविल्स का हिस्सा थे। इस टीम को अब दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि इससे पहले उन्मुक्त ने आईपीएल 2011 से टूर्नामेंट में डेब्यू कर लिया था। हमने इसी का जिक्र पहले भी किया है। डेब्यू मैच भी उन्मुक्त के लिए कुछ खास नहीं रहा था। इस मैच में वो अपनी पारी की दूसरी गेंद खेलते हुए लसित मलिंगा की गेंद पर बोल्ड हो गए थे। चंद ने रणजी ट्रॉफी में 67 मैच खेले। उन्होंने 8 शतकों और 16 अर्धशतकों के साथ 3300 से ज्यादा रन बनाए।
नंबर्स पर एक नजर डालने पर कोई भी इसे असरदार मान सकता है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि लगभग एक महीने में 1000 रन बनाने के बावजूद मयंक अग्रवाल को लंबा इंतजार करना पड़ा। एक सलामी बल्लेबाज के रूप में चंद का बल्ले से औसत सिर्फ 31 था, जो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊंचे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खराब है। 2010 में अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने 11 वर्षों में 67 मैच खेले हैं। ये सीधा संकेत है कि वो हमेशा दिल्ली की टीम में अंदर बाहर होते रहे। एक ऐसी टीम जिसमें सहवाग, गंभीर और धवन जैसे खिलाड़ी टॉप पोजीशन के लिए लड़ रहे थे। उन्मुक्त उत्तराखंड गए और वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। बेस को ऐसी जगह शिफ्ट करना एक गलत कदम था, जिसे हाल ही में रणजी स्टेटस दिया गया था। हालांकि छोटी जगह पर वो एक बड़ा नाम थे। चंद ने 7 मैचों की 14 पारियों में केवल 195 रन बनाए और उनका औसत 14 से भी कम था। ये वास्तव में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं था जिसकी उम्मीद पूर्व अंडर 19 कप्तान ने की होगी। इसके बाद उन्मुक्त ने कई ऐसे काम किए जिन्हें आउट ऑफ द बॉक्स कहा जा सकता है। बुक्स और मेमोरीज लिखना ऐसे प्लेयर्स के हिस्से का काम समझा जाता है जो क्रिकेट से या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या सब कुछ हासिल कर चुके हैं। उन्मुक्त चंद ने अंडर 19 क्रिकेट में अपनी जीत के बारे में एक किताब लिखी। ऐसा नहीं है कि ये करना किसी दृष्टि से गलत है, लेकिन समस्या ये थी कि इससे एक धारणा पैदा हुई कि उन्होंने अपनी नज़र में सब कुछ हासिल कर लिया है। हो सकता है कि यही कारण हो कि उसने कभी कदम आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद उन्हें कैरेबियन प्रीमियर लीग के दौरान कमेंट्री करते हुए भी देखा गया और ये तब था जब वो सिर्फ 27 साल के थे। एक ऐसी उम्र जहां उन्हें सब कुछ भूलकर सिर्फ काम पर लग जाना चाहिए था और अपने खेल को आकार देना चाहिए था। दूसरी ओर अगर आप देखें तो मयंक अग्रवाल ने 27 साल की उम्र में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। वो भी उन्मुक्त की तरह एक विध्वंसक और आक्रामक सलामी बल्लेबाज थे। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा है, तो अग्रवाल ने अपने खेल पर काम किया और अपने सपने को साकार किया। उन्मुक्त चंद के अंडर 19 टीम के पूर्व साथी स्मिथ पटेल ने यूएसए में एक नया करियर शुरू करने के लिए भारतीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्मुक्त चंद को लेकर भी ऐसी चर्चा उठी तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि वो सिर्फ भारत में क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेकिन 13 अगस्त 2021 को 28 वर्ष की उम्र में इस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। एक साधारण प्रशंसक के लिए हो सकता है ये कोई मुद्दा न हो, लेकिन कई क्रिकेट प्रशंसकों के लिए ये एक दुखद दिन था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्मुक्त भारतीय क्रिकेट छोड़ रहे थे, बल्कि इस सच के लिए कि एक प्रतिभा जो चमक सकती थी वो चमकने से पहले ही बुझ गई। उन्मुक्त चंद ने खुलासा किया कि वो नियमित रूप से खेलने में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूएसए का रुख करेंगे। उन्मुक्त चंद ने 13 अगस्त 2021 को ट्विटर पर भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्मुक्त ने बीसीसीआई को भी धन्यवाद दिया। भारतीय क्रिकेट को अलविदा कहते हुए उन्मुक्त ने अपनी अंडर 19 जीत को याद किया। ट्विटर पर दिए गए बयान में उनकी यात्रा और अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने और उससे मिली सभी यादों के बारे में भी बताया। उन्होंने कई सीरीज में इंडिया ए का नेतृत्व करने और इस दौरान कुछ ट्रॉफियां जीतने के बारे में भी लिखा। ट्वीट के फाइनल पार्ट में उन्होंने भारतीय क्रिकेट को अलविदा कहते हुए इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि अवसर मिलना मुश्किल है। उन्मुक्त चंद का ये सोचना गलत नहीं है कि उन्हें मौके नहीं दिए गए। आईपीएल में वो बेहतर के हकदार थे, उन्हें बेहतर डील और थोड़ा भरोसा मिल सकता था। हालांकि अपनी ओर से वो बेहद दुख के साथ पीछे मुड़कर देख सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने मिले अवसरों का लाभ उठाया। निश्चित रूप से टैलेंट था, लेकिन वे टॉप पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। किसी भी खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत के साथ कंसिस्टेंसी की भी जरूरत होती है और दुख की बात है कि कंसिस्टेंसी ही गायब थी। ठीक वैसे ही जैसे विज्ञापन में दिखाया गया था कि कोल्ड ड्रिंक पाने की कोशिशों को भी कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। टॉप तक पहुंचने का उनका रास्ता भी कड़ी परीक्षाओं से गुजरा और दुख की बात है कि वो इसे हासिल नहीं कर सके। हम इस वीडियो को 6 मई 2024 के दिन बना रहे हैं और इसी दिन ये खबर भी आई कि यूएसए ने आईसीसी मेंस टी20 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। यूएसए की टीम में कप्तान मोनांक पटेल समेत भारतीय मूल के कई खिलाड़ी हैं, लेकिन स्टार क्रिकेटर उन्मुक्त चंद का नाम लिस्ट से गायब है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।